खबर छतरपुर के खजुराहो से है, जहां युवक को पुलिस की गाड़ी के पास से बुलेट निकालना महंगा पड़ गया। बता दें कि पुलिस वालों ने उसे जबरन उसके घर से उठा लिया और थाने में उसकी पिटाई कर दी। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसकी बुलेट पुलिस की गाड़ी से टकरा गई थी। जानकारी के अनुसार नगर परिषद में सफाई कर्मी के पद पर कार्यरत रोहित को पुलिस वाहन के बगल से अपनी बुलेट निकालना की भारी कीमत चुकानी पड़ी। पीड़ित रोहित ने बताया कि रोहित जैसे ही अपने घर के पास खड़ी खजुराहो थाने की गाड़ी के बगल से निकला तो पुलिस ने उसे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठा लिया, जिसका वीडियो उसके परिजनों ने बना लिया। रोहित के परिजन उसे छोड़ने की गुहार लगाते रहे, लेकिन पुलिस युवक को पकड़कर थाने ले गई। थाने ले जाने के बाद पुलिस ने रोहित को इतनी बेरहमी से पीटा कि उसके शरीर पर गंभीर चोट के निशान हो गए। इस मामले में एसपी ने पुलिसकर्मियों की गलती मानी है, लेकिन एसडीओपी खजुराहो की जांच के बाद उन्होंने पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही। छतरपुर से मुकेश भार्गव की रिपोर्ट। खजुराहो का इस प्रकार की एक शिकायत संज्ञान में आई है और एसडीओपी साहब को उसकी जांच दी है और उसमें आवेदक और सभी के कथन भी हो रहे हैं और प्रथम दृष्टया उसमें दो लोगों को जो लग रहा है कि जिनकी गलती हो सकती है उन पर भी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन पूर्ण जांच होने के बाद ही उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं ड्यूटी से घर आया तो यहाँ पे घर पे बिजली विभाग की गाड़ी और थाने की गाड़ी खड़ी हुई थी, तो मैंने गाड़ी बगल से नकारने की कोशिश की, वो बगल में टका दी। तो पुलिस वाले बोले तुझे तमीज़ नहीं है चलाने की, गाड़ी कैसी गाड़ी चलाता है? तो मैंने बोला साहब आप बीच में गाड़ी लगी है, मैंने किनारे से गाड़ी निकाली वहाँ पर टका दी। बस ये गाली गलौज करने लगे, गाली गलौज करके वो मुझे गाड़ी में जबरदस्ती ने बैठा ला और ले गए थाने। थाने के अंदर इन्हें मारपीट थी।